कि हे भोलेनाथ आपकी दया आपकी महिमा अपरंपार है। सारे जगत में ये आपके नाम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि महादेव गुरु दयालु गुरु हैं। देवों में देव महादेव है, माँ कालों के महाकाल है। सभी भक्तन के दया देते हैं, संकट हरते हैं और दया करते हैं। इसलिए महादेव गुरु ये सारा संसार में दयालु गुरु है। इसलिए भक्तन भोलेनाथ के नाम लेते रहते हैं। तो दीदी भोलेनाथ के दरबार में आइए तो सरक संकट कष्ट दूर दर्द सब मिट जाते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ की माथे के चंदा चमकते रहते हैं और उनको जटे से गंगा बहते रहते हैं और दया गुरु के हमेशा बरसते रहते हैं। तो दया लेने वाले की कमी है। महादेव गुरु दया देते हैं लेकिन भक्तन लोग के लेने के लूर नहीं है। इसलिए कि भक्तन कहते हैं जो हम 10 मिनट जाएंगे गुरु के दरबार में गुरु के चर्चा में तो मेरा एक काम 10 मिनट में कर लेंगे तो मेरा कल के छुट्टी हो जाएगा। नहीं दीदी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काम तो सब दिन करना है। जब ले सांस है तब तक आस है। काम तो जीवन में आदमी के कभी नहीं खत्म होता है। लेकिन इसी में देखिए जो देवघर बाबा बैजूनाथ के दरबार में भक्त लोग कोई भक्तन जाते हैं तो 5 दिन बिता के आते हैं, कोई भक्तन 8 रोज पर आते हैं और कोई भक्तन जो है ये 2 रोज में चलाते हैं। क्योंकि अपना किसी को अगर नहीं घर में करने वाला है तो दीदी समझते कि हमको घर में नहीं करने वाला था, गाड़ी से चल जाते हैं देवघर और भोलेनाथ के जल चढ़ा करके चलाते हैं। कोई भक्तन है तो पैदल जाते हैं तो अपना एक हफ्ता बिताते आते हैं क्योंकि भोलेनाथ दयालु गुरु है, दया करते हैं। तो इसलिए गुरु के दरबार में आइए दीदी तो काम धंधा के ध्यान नहीं रखिए जी। हम आज गुरु के दरबार में जाएंगे तो हमारे आज काम नुकसान हो जाएगा? नहीं, काम तो करना ही है लेकिन भगवान की भी आराधना प्रार्थना करते हुए महादेव की कृपा से महादेव की दया से मेरा घर परिवार में आपको सदा सुखी है, शांति है, रोजी रोजगार में महादेव सफलता करते हैं, आगे मुंह के विकास करते हैं क्योंकि महादेव की दया से। इनकी दया बहुत अलमोल है। तो इसलिए भक्त ने माध्यम से आगे दीदी हम गाना सुनाते हैं, आप लोग एक बार ताली लगा दिए। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की, मैया पार्वती की। तो तेरी माथे की बिंदिया, तेरी माथे की चंदा चमकती रहे, तेरी जटाओं से गंगा बहती रहे, तेरी शिष्या हमेशा सलामत रहे, तेरी दया हमेशा बरसती रहे। क्योंकि गुरु की दया हमेशा बरसते हैं इसलिए कहते हैं भक्तन, क्या कहते हैं, दया कर 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 दया करे, महादेव गुरुवरे महादेव गुरुवर की महिमा तुम्हारी, महादेव गुरुवर की महिमा तुम्हारी, मैं करती रहूं गुरुवर चर्चा तुम्हारी।
महादेव की हर हर महादेव।